नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज एक और निधि के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके कारण काफी भ्रम फैला हुआ है। 3-4 महीने से काफी सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि उनके कंसल्टेंट ने या फिर वो कहीं से उन्होंने सुना है कि निधि कंपनी के ऊपर ये डीमेटरलाइजेशन करने का, मीन्स शेयर्स को डीमैट करने का प्रोविजन आ चुका है। तो मैंने हमेशा उनसे बात की कि इसमें क्लेरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि कोई भी रूल्स का जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन आराम से आता है, थोड़े देर बाद आता है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, और इस ये इंक्लूड है नहीं है, ये लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 22 जनवरी 2019, मतलब इसी महीने, कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। ये जो है भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया में 22 जनवरी 2019 को प्रिंट हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ अमेंडमेंट्स हैं। किसमें अमेंडमेंट्स हैं? कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 का क्लॉज 9A है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, कंपनीज एक्ट 2013 से संबंधित विशेष रूल जो कि है कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014, जिसमें 3-4 अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसमें क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है निधि कंपनी के बारे में। क्लॉज नंबर 9A है कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। एक विशेष क्लॉज को डाला गया है जो अभी मैं सुनाने वाला हूं। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसका मतलब यह है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को यह अप्लाई नहीं होता। और ये कौन से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है? जो कि या तो निधि कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। तो दोस्तों एक बार फिर से, हमारा 22 जनवरी 2019 को जो रूल आया है, कंपनीज सिक्योरिटीज एंड अलॉटमेंट रूल्स 2014, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो रूल 9A है, जिसमें डीमटेरियलाइजेशन करने का कंपल्शन डाला हुआ था, उसमें क्लेरिफाई किया गया है कि कौन से पब्लिक कंपनी को डीमटेरियलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहला निधि कंपनी है, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी है, तीसरा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का 100% शेयर्स है, ऐसी कोई भी कंपनी, ये 3 लोगों को छूट है कि वो डीमटेरियलाइज अपने शेयर्स को नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग निधि कंपनी आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई डीमटेरियलाइजेशन का झंझट भी नहीं है, काम करने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे पहले के निधि के 3-4 वीडियोस जो मैंने बताए हैं, उनको आराम से देखिएगा, आपके लिए बहुत काम की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से कम 400-500 सब्सक्राइबर्स लोगों ने निधि कंपनी बनाने के लिए मुझसे संपर्क किया। कुछ लोगों को मैं सेवाएं प्रदान करने वाला हूं और उनका हेल्प करने वाला हूं, और जो जो लोग पॉजिटिवली इंटरेस्टेड रहेंगे अपने और अपने बिजनेस के बारे में, चाहे वो निधि कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर कोई भी कंपनी हो या कंसेप्ट हो जिसको वो डेवलप करके आगे ग्रो करना चाहते हैं 1 time, 10 time, 100 times, वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। हम बेहतरीन कंसल्टेंसी, बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट कंसल्टेंसी के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। तो निधि कंपनी के संबंध में कोई जेन्युइन क्वेरी होगी, जरूर डालिए। मैं बता दूं, मैं सबसे ज्यादा हेल्प करना चाहता हूं उन लोगों का जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं वहां पर अपने नंबर भी डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है, आगे बढ़ना है, यही मेरा मिशन है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं उससे आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।